हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, हम जहर बेचते हैं। हम जहर बेचते हैं, कहते हैं उस पर किस्मत की मार होती है जिन्हें रात में भी काम करना पड़ता है, क्योंकि रात को ईश्वर ने आराम के लिए बनाया है। अपराधी और स्यापोशों का कहना है कि रात के अंधकार में ही होते हैं दौलत की बारिश करने वाले वे काम, जो रात के काले अंधेरे की तरह ही काले होते हैं। लाइन से, सभी को लाइन से आने का, जल्दी चलो जल्दी चलो। ए बुड्ढे तो रुक, नया नया आया इधर। हाँ, रमेश छंगे ने मुझे यहाँ भेजा है, क्या वापस चला जाऊँ। नहीं, जब रमेश छंगे ने भेजा है तो तू भरोसे का आदमी होगा, लेकिन माल भी लेकर आया ना। हाँ, छंगे ने बताया था कि यहाँ 500 रुपये से कम वालों को अंदर नहीं घुसने देते, इसलिए मैं पूरे 500 लेकर आया हूँ। ठीक है, चल आगे बढ़, तेरा नंबर आ गया। बूढ़े ने आगे बढ़कर 500 रुपये का नोट उस खिड़की में सरका दिया। तुरंत ही एक हाथ बाहर निकला और 500 का नोट लेकर अंदर चला गया। एक पल बाद ही वही हाथ एक छोटी सी प्लास्टिक थैली के साथ एक बार फिर बाहर आया, लेकिन इस बार वह वापस ना जा सका क्योंकि बूढ़े के हाथों ने उस हाथ को थाम लिया था। और अगले ही पल हाथ के साथ हाथ का मालिक भी बाहर आ गया। देखने वाले ऐसे चौंके जैसे इन्हें जबरदस्त झटका लगाओ, सॉरी करंट लगाओ। बूढ़े ने खिड़की के साथ सलमान को भी बाहर खींच लिया। बड़ी जान है इसके हाथों में। इसके हाथों में ही नहीं, इसके शरीर में भी जान है। यह बूढ़ा नहीं है। सही कहा, मैं बूढ़ा नहीं, वह जवान हूं जिसे तुम जैसे शैतान अच्छी तरह पहचानते हैं। तिरंगा, सही पहचाना, ये लो इसका इनाम। धार, इनाम तो तुझे मिलेगा तिरंगा, बड़ी समझदारी से यहां पहुंचने का, और तुझे मिलने वाला वह इनाम होगा मौत का इनाम। तक जिंदगी जिसने सदा दांव पर लगाई है, उसे मौत कब कहाँ छू पाई है। पिछले दिनों कमिश्नर साहब ने नशे के व्यापारियों तक पहुंचने का काम मुझे सौंपा था। मैंने आज रमेश छंगा नामक एक प्रसिद्ध नशेड़ी को पकड़ा था और उससे उगलवा लिया था कि नशा यहां मिलता है। बताओ कौन है तुम्हारा बॉस, और तुम्हारे इस अड्डे की किस हिस्से में छिपा बैठा है वो। मैं हूं इनका बॉस, और इस समय मैं मौत का दूत बनकर तेरे सामने हूं। टन टन टन, पीठ पर बंधी मेरी ढाल ने मुझे तो गोलियों से बचा लिया, लेकिन तुझे अब मेरे कहर से कौन बचाएगा। अच्छा है तो खुद मेरे सामने आ गया, वरना तुझे ढूंढने में मुझे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती। ओ नो, हरीश, ये तो हरीश है, शहर के नामी ईमानदार और देशभक्त वकील सत्य प्रकाश का बेटा। भारत के रूप में सत्य प्रकाश जी के यहाँ काम करते हुए मैं इससे मिल चुका हूँ, लेकिन ये यहाँ कैसे? क्या ये सचमुच वही आदमी है जो इस शहर में जहरीला नशा फैला रहा है? उफ, तिरंगा की हैरानी का भरपूर फायदा उठाते हुए उसने तिरंगा पर वार करके उसे दूर उछाला और गोली की तरह वहां से निकल भागा। मेरी थोड़ी सी असावधानी का फायदा उठाकर वो भाग निकला, मुझे उसे पकड़ना होगा। ओ, भाग निकला, खैर मैं जानता हूं वह यहां से बचकर कहां गया होगा, इसलिए मैं उसे कभी भी पकड़ सकता हूं। अभी तो मैं फ्लेयर छोड़कर पुलिस को यहां बुलाता हूं, क्योंकि यहां बरामदगी के लिए नशीले पदार्थ का काफी स्टॉक मौजूद है। तुरंत ही आकाश में चमकी वह तिरंगी लाइट, जिसकी प्रतिक्रिया कुछ पलों में ही सामने आई। पुलिस यहाँ आ रही है, अब मेरा यहाँ ठहरना बेकार है, क्योंकि अपने ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहे होंगे कमिश्नर साहब। आओ तिरंगा, नशीले जहर के केस में हुई तुम्हारी तरक्की के बारे में जानने के लिए मैं काफी बेचैन हूँ। आपकी बेचैनी को खुशी में बदलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अभी मुझे हरीश वाली बात कमिश्नर साहब को नहीं बतानी। तिरंगा ने अपनी तरक्की के बारे में बताया तो सदा शहर की कानून व्यवस्था के लिए चिंतित रहने वाले उस शख्स की बाछें खिल गई। गुड, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। धन्यवाद कमिश्नर साहब, अभी इस केस में हमारे यहाँ सिर्फ छोटी मछलियाँ आई हैं, बड़े मगरमच्छ तक पहुँचना भी बाकी है, और मैं जल्दी उस तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरे हाथ कुछ ऐसे सूत्र लगे हैं जो मुझे बड़े मगरमच्छ तक पहुँचाएंगे। ट्रिन ट्रिन, कमिश्नर स्पीकिंग। सर, मैं DCP रमन काले बोल रहा हूँ, बरार स्केवर पर स्थित उस इमारत से जहां हम तिरंगा के फ्लेयर का पीछा करके पहुंचे हैं। बोलो मिस्टर काले, क्या रिपोर्ट है वहां की? उधर से सारी रिपोर्ट दी जाने लगी, और जैसे जैसे वो रिपोर्ट आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे कमिश्नर की आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी। जल्दी ही रिसीवर को रखकर तिरंगा की तरफ पलटा कमिश्नर, तुम्हारे लिए एक विस्फोटक खबर है तिरंगा। बरार स्केवर की जिस इमारत को तुमने अपना निशाना बनाया था, वहां से नशीले पदार्थ का एक दाना भी बरामद नहीं हुआ है। क्या? लेकिन मैंने तो वहां काफी स्टॉक अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारी बातों को मैं झूठ नहीं मान सकता तिरंगा, लेकिन यह बात सच है कि उस इमारत में नशीले पदार्थ के नाम पर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हथियारबंद बदमाश जरूर बरामद हुए, जिन्हें जेल के लिए बुक किया जा रहा है। कमाल है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुद जाकर पता करना होगा।
और ये पता लगाने के लिए मुझे बरार स्कैवर की उस इमारत में जाने की कोई जरूरत नहीं। सत्य प्रकाश जी के बेटे हरीश को पकड़कर भी मैं इस रहस्य को जान सकता हूँ। हेडक्वार्टर से रवाना हुआ तिरंगा की मंजिल वकील सत्य प्रकाश का बेटा हरीश था, लेकिन तिरंगा क्या जानता था, हरीश किसी और की भी मंजिल बन चुका था। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपनी फौज की मदद से माल को सही समय पर यहाँ मंगवा लिया, वरना पुलिस को हम तक पहुँचने में देर नहीं लगती। ये सब उस नशेड़ी हरीश की वजह से हुआ जिसे आपने ना जाने क्यों अपने साथ मिला रखा था। उसे नशे का आदि बनाने और अपने साथ मिलाने का मेरा क्या मकसद है, ये तुम्हें वक्त आने पर खुद ही पता चल जाएगा। शायद वह वक्त आने से पहले हम उसकी वजह से जेल की सलाखों के पीछे हों, क्योंकि तिरंगा की नज़र उस पर पड़ चुकी है। तिरंगा जल्दी उसे ढूंढ लेगा और फिर उसकी मदद से हम तक पहुंच जाएगा। सही कहा, तिरंगा हरीश को ढूंढ सकता है, लेकिन तिरंगा को उसे ढूंढने के लिए नरक लोक जाना होगा, क्योंकि मैंने हरीश का नरकवासी बनाने का इंतजाम कर दिया है। नशे में चूर हरीश के शरीर को वो हजारों टिड्डे ऐसे खा रहे थे जैसे घुन लकड़ी को खाता है। नशे के प्रभाव से तीन दुनिया से बेखबर सीधे सोए हरीश को इसका पता तो चला, लेकिन नशे ने उसे इसे इस लायक कहाँ छोड़ा था कि वो अपना बचाव कर पाता। लेकिन अभी उसकी किस्मत पर शायद मौत नहीं लिखी थी, तभी तो आंधी तूफान की तरह उसके कमर में दाखिल हुआ था तिरंगा। हे ईश्वर, हरीश के शरीर से तो हजारों टिड्डे चिपटे हुए और वे उसका मांस खा रहे हैं। मुझे उसे बचाना होगा, शायद सत्य प्रकाश जी कहीं बाहर गए, वरना अपने बेटे की चीख सुनकर वे यहाँ जरूर पहुँचते। उफ, इन टिड्डों ने तो मुझ पर भी हमला करना शुरू कर दिया, मुझे भी अपना शिकार बनाना चाहते हैं मांस भक्षी। मैं यहाँ से भागकर इनसे बच सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मैं हरीश को किसी भी हाल में नहीं बचा सकता। लेकिन अगर इनसे बचने का कोई रास्ता सोचे बगैर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ना मैं हरीश को बचा पाऊंगा और ना अपने आप को। उफ, अचानक तिरंगा के मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। इनसे बचने का एक ही रास्ता है, लेकिन वह यहाँ नहीं, बाहर लॉन में मौजूद है। इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं हरीश को उठाऊं और उसे लेकर बाहर की तरफ भाग खड़ा हूं। हरीश को लेकर तिरंगा तेजी से बाहर की तरफ दौड़ा, इसी के साथ मौत के दूत भी उसकी तरफ लपके। तिरंगा जान छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह टिड्डे उसे लॉन तक पहुंचने से पहले पकड़ने में सफल हो गए तो फिर उसे कोई भी ताकत वहां नहीं पहुंचा सकती थी, जहां रखे थे कीटनाशक। कोठी के अंदर घुसते समय अगर मेरी नजर यहां पड़े इन एग्रीकल्चर कीटनाशकों पर ना पड़ी होती तो कंकाली बनाकर छोड़ा होता इन टिड्डों ने मुझे और हरीश को। हरीश पर हुआ टिड्डी दल का यह खतरनाक हमला ये साबित करता है कि असली गुनाहगार हरीश नहीं कोई और है, जो हरीश को नशे का आदि बनाकर उसे कठपुतली की तरह नचा रहा था। लेकिन वह है कौन, इसके बारे में हरीश ही बता सकता है। लेकिन उससे कुछ पूछने से पहले मुझे 102 नंबर पर फ़ोन करके एम्बुलेंस को यहाँ बुला लेना चाहिए, ताकि हरीश को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके तिरंगा ने एक बार फिर हरीश को संभाला। हरीश, संभालो अपने आप को, मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो, किसी ने नशे का गुलाम बनाकर तुम्हें मोहरा बनाया। मुझे उसका नाम बताओ हरीश, मैं उसे सलाखों के पीछे पहुँचाकर उससे तुम्हारी इस हालत का बदला लूंगा। बोलो हरीश, भगवान के लिए कुछ बोलो। जवाब में फड़फड़ा उठे हरीश के होंठ। एक ही शब्द निकल पाया उसके मुंह से और फिर मुंह खून से भर गया, आंखें उलट गई उसकी। ओह, हरीश उसका नाम बताना चाहता था, लेकिन पा अक्षर बोलते ही वो बेहोश हो गया। प्या, प्या। तभी तिरंगा को इतनी बढ़ती एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर बाद ही अच्छा हुआ सही समय पर एम्बुलेंस यहाँ पहुँच गई। हरीश की हालत बहुत ख़राब है, अब तो उसके सामान्य होने पर ही उससे कुछ जाना जा सकता है, लेकिन उसके सामान्य होने तक जो आधी अधूरी जानकारी मिली है मैं उसके सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। इस बार तिरंगा बिना किसी रोक टोक के इस लकड़ी की इमारत में घुस गया। पुलिस के यहाँ से जाने के बाद इस पूरी इमारत में सन्नाटा छाया हुआ है, और ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि ऐसे मैं अपना काम और अधिक तल्लीनता से कर सकूंगा। अरे ये क्या है, ये तो कोई पेन है, इम्पोर्टेड, काफ़ी कीमती, निश्चय ये किसी की जेब से गिरा है। लेकिन किसकी जेब से? ओह, अचानक तिरंगा के कान खड़े हो गए, दूसरे ही पल चीते सा सतर्क नजर आने लगा। वह पास ही कहीं से सांसें लेने की आवाज़ें आ रही हैं। ओह, तुरंत ही तिरंगा को पता चल गया कि वह सन्नाटा कृत्रिम था, असल में वहाँ कई लोग मौजूद थे। वेलकम तिरंगा, मेरे जिस आदमी ने मुझसे यह कहा था कि तू यहाँ ज़रूर पहुँचेगा, मैंने उसे बेवकूफ़ कहा था। तब उसने कहा था कि वह तेरी कार्य प्रणाली को जानता है, तू यहाँ कोई सबूत ढूंढने ज़रूर आएगा। अपने उसी आदमी की जिद पर मैं तुझे फंसाने के लिए यहाँ पहुँचा। मुझे खुशी है कि मैंने उसकी बात मानी और तुझे ख़त्म करने का यह मौका पाया। अभी तो तू उसकी बात मानकर खुश हो रहा है, लेकिन कुछ पलों बाद ही तू रोएगा और उस दिन को कोसेगा जब तूने अपने साथी की बात मानकर यहाँ आने का फैसला किया। काक, ओह, लकड़ी के फर्श को कमज़ोर करके मुझे फंसाने का कार्यक्रम बनाया है। बिल्कुल ठीक समझे तिरंगा,
लेकिन लकड़ी का यह फर्श पहले से ही कमजोर नहीं किया गया, बल्कि लगातार कमजोर किया जा रहा है असंख्य घुनों के द्वारा। मेरे एक इशारे पर नाचती है और वे घुने सिर्फ लकड़ी के फर्श को ही नहीं बल्कि सारी इमारत को खाकर कमजोर कर रही हैं जो लकड़ी की बनी हुई है। कुछ देर बाद लकड़ी की यह सारी इमारत भरभरा कर तेरे ऊपर गिर पड़ेगी। इसलिए अब तू ऐसी विचित्र स्थिति में फंस गया है तिरंगा, कि अब ना तो तू यहां से बचकर निकल सकता है और ना ही यहाँ खड़ा रह सकता है। इसलिए ये मेरे रोने का नहीं, ठहाका लगाने का समय है। विचित्र स्थिति में फंसा गया वह मुझे। अगर मैंने यहाँ से ज़रा भी हिलने की कोशिश की तो मैं खोखले फर्श के ढेरों मलबे के नीचे मौजूद सैकड़ों फुट गहरे गड्ढे में जा गिरूंगा, और अगर यहीं खड़ा रहा तो सारी छत का मलबा मेरे ऊपर आ गिरेगा। क्या करूँ मैं यहाँ से बचने के लिए, क्या करूँ मैं? तिरंगा की हालत बता रही थी कि वहां से बचने का कोई रास्ता खोजने के लिए उसे काफी वक्त चाहिए था, जबकि लकड़ी की उस इमारत के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। जिसने एक बार गिरना शुरू किया तो ताश के पत्ते की तरह ढेर होती चली गई। फड़फड़ा। कुछ पल पहले जहां लकड़ी की एक अच्छी खासी इमारत नजर आती थी, वहां अब लकड़ियों का बड़ा ढेर नजर आ रहा था, जिसे देखकर यहां छुपे खड़े शख्स की आंखों में हीरे सी चमक दिखाई दे रही थी। खत्म, हमारा दुश्मन तिरंगा खत्म हुआ बॉस। बेचारा तिरंगा, हम तक पहुंचने की कोशिश में बेमौत मारा गया। नहीं मारा गया तिरंगा, अभी भी जिंदा है बॉस, वह देखिए। ओ नो, तिरंगा मौत के उस जाल से कैसे बच निकला? कैसे? जवाब से तिरंगा को मालूम था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि इमारत का सबसे पहले छत का वह हिस्सा गिरना शुरू हुआ जिसके ठीक ऊपर पासी हो गए यूकलिप्टस का तना मौजूद था। जैसे ही छत का वह हिस्सा गिरा, वैसे ही मुझे वहां से ऊपर मौजूद यूकलिप्टस का तना नजर आया। मैंने बिना कोई छड़कमा अपनी रस्सी यूकलिप्टस के उस तने की तरफ उछाली और इमारत के ढहने से सिर्फ एक क्षण पहले ही उससे बाहर निकल गया। अब वह घाघ अपराधी मुझे फिर अपने किसी जाल में फंसा ले, उससे पहले ही मुझे उस गुमनामी के काले अंधेरे से खींच कर बाहर लाना है। अचानक तिरंगा को पेन की याद आई। अरे वह पेन कहाँ गया जो मुझे उस इमारत में पड़ा मिला था जिस समय मैं निकलने के चक्कर में था? शायद उस समय वह कहीं गिर गया। खैर, मुझे पेन का विचार छोड़कर घर जाना चाहिए क्योंकि सूरज ने पूर्व में अपनी लाली बिखेरनी शुरू कर दी है। सुबह होने के साथ ही तिरंगा का काम खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती जिन्हें उसे भारत के रूप में निभानी होती हैं। थोड़ी देर सो लूं क्योंकि 8 बजे मुझे अपने काम पर निकलना है। ठीक 9 बजे सर का फोन आया था, उनके बेटे के साथ रात को एक दुर्घटना हो गई है इसलिए वे आज नहीं आएंगे, उन्होंने तुम्हें अपने घर पर ही बुलाया है। ठीक है। जल्दी ही सत्य प्रकाश के घर पर मौजूद था भारत। हरीश भाई साहब के साथ घटी गई दुर्घटना का पता चला तो बहुत दुख हुआ सर। क्या हुआ उन्हें? रात को मैं भी घर नहीं था, वापस लौटा तो पता चला कि हरीश पर टिड्डी दल ने हमला बोल दिया था। तिरंगा ने उसे आकर बचाया और अस्पताल पहुंचाया। वह कोमा में है इसलिए आज मैं कोर्ट नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इस सूट केस में मौजूद कागजों का कोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम कोर्ट पहुँच कर इन्हें वहाँ रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करा देना और इनकी रिसीविंग कॉपी कल ऑफिस में लेकर आ जाना, मैं इन पर साइन कर देता हूँ। सत्य प्रकाश ने अपना सूट केस खोलकर उसमें से कागज़ निकाले और उन पर साइन करना शुरू कर दिया। ओह नो, सत्य प्रकाश जी के हाथों में ये पेन? पेन हूबहू वैसा है जैसा मुझे लकड़ी की इमारत में मिला था। इस पर भी अंग्रेजी का एस बिल्कुल उसी स्टाइल में लिखा है। निश्चय ही ये दोनों पेन रेनॉल्ड्स कंपनी के वे इंपोर्टेड गिफ्ट पेन हैं जो 2 के सेट में आते हैं और खरीदार के विशेष अनुरोध पर जिन पर नाम के प्रथम अक्षर गोदे जाते हैं। यानी इसमें कोई शक नहीं कि ये पेन उसी पेन का पेयर है, लेकिन अपराधियों के अड्डे से मिले उस पेन के पेयर का सत्य प्रकाश जी के पास होने का क्या मतलब है? कागज़ तैयार है भारत, लेकिन तुम कहाँ खो गए? कहीं नहीं सर, आपके पेन को देख रहा था कि इसका पेयर भी आपके पास होता तो ये पेन का जुड़ा कितना खूबसूरत लगता। कल तक इसका दूसरा पेन भी मेरे पास था लेकिन रात को कहीं गिर गया। भारत के मस्तिष्क में धमाका किया सत्यप्रकाश के शब्दों ने। रात को गिर गया? कहाँ? शायद एक मिनट, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही आप नहीं बताना चाहते तो ना सही, मैं चलता हूँ। वह पेन सत्यप्रकाश जी का ही था और उसके गिरने की जगह के रूप में भरा डिस्कवर की इमारत का ही नाम लेने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि कल रात सत्यप्रकाश जी अपने घर से इसलिए गायब थे क्योंकि वे बरार स्कैवर की उस इमारत में मौजूद थे, लेकिन वे वहां क्यों थे? क्या ड्रग्स के सौदागरों के साथ देने के लिए? हो सकता है क्योंकि बेहोश होते हरीश से जब मैंने अपराधी के बारे में पूछा था तो उसने एक अधूरा शब्द पा बोला था जिसका पूरा शब्द पापा होता है। ये क्या बेहूदे बातें सोच रहा हूँ मैं, और वो भी एक ऐसे देवता सरीखे इंसान के लिए जिसकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, जिसकी देशभक्ति की मिसालें दी जाती हैं। सत्यप्रकाश जी को बरार स्कैवर की इमारत में जाना और वहां उनका पैन गिरना संयोग हो सकता है, लेकिन अगर मेरी यह विचारधारा गलत है तो फिर मुझे एक बार फिर नए सिरे से सोचना होगा कि अपराधी कौन है। खैर, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, पहले
ये कागज रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करा दूं? अरे ये क्या, सूटकेस में से कागज उठाते ही भारत की नजर वहां रखी उस अनोखी चीज पर पड़ी, और वो चीज थी चीनी का ये सील बंद पैकेट। सत्य प्रकाश जी के सूटकेस में क्या कर रहा है? शायद सत्य प्रकाश जी इसे कहीं बाहर से खरीद कर लाए होंगे, तभी ये उनके सूटकेस में है। भारत ने चीनी के उस पैकेट को वापस सूटकेस में रखा और कागजातों को जमा कराने की प्रक्रिया में जुट गया, जिससे वह शाम को ही फारिग हुआ। सत्य प्रकाश जी ने जमा किए गए कागजों की रिसीविंग कल सुबह ऑफिस में पहुंचाने को कहा है, इसलिए मुझे सीधा घर पहुंचना चाहिए, जहां से आराम करके और खाना खाकर मुझे तिरंगा बनकर शहर में जहर बेचने वालों को ढूंढने निकलना है। भारत को नहीं मालूम था कि वह जिन अपराधियों तक पहुंचने की सोच रहा है, वे जाने अनजाने खुद उस तक पहुंचने जा रहे थे, और उनके पहुंचने का कारण बन रहा था चीनी का यह पैकेट। कोई मामूली पैकेट नहीं है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो, क्योंकि ऐसे ही पैकेटों के जरिए अफगानिस्तान से वह विशेष प्रकार का ट्रक हम तक पहुँचता है, जिसके हम एकमात्र सप्लायर हैं। चीनी का खोया हुआ वह पैकेट अगर किसी के हाथ पड़ गया तो हमारा राज खुल जाएगा, इसलिए सोचो सोचो कि जो एक पैकेट कम है वह कहाँ गया। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा बॉस, हमने उसे हर संभावित जगह ढूंढ लिया, वह हमें कहीं नहीं मिला, लगता है वह कहीं गिर गया है। ऐसा है तो उसे और सावधानी से ढूंढना होगा, लेकिन इतने बड़े शहर में उस छोटे से पैकेट को कैसे और कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? नामुमकिन है ये काम, तुम्हारे लिए नामुमकिन हो सकता है लेकिन मेरी फौज के लिए नहीं। अगर वह पैकेट पाताल में भी होगा तो मेरी फौज उसे ढूंढ कर लाएगी। कौन सी थी वह फौज जो ढूंढने निकल पड़ी थी उस पैकेट को, जो उस शख्स के घर में मौजूद था जो अपने शरीर पर तिरंगी लिबास धारण कर रहा था? रात के अंधकार ने चारों तरफ अपना साम्राज्य स्थापित कर वातावरण को अपने आगोश में ले लिया। ऐसा ही समय एकदम सही होता है इस तिरंगी जिस्म को हवा में लहराने के लिए। काव काव, अरे ये खिड़की के पास कुत्ता क्यों चिल्ला रहा है? सॉरी यार, कौवे की आवाज़ निकल गई। देखना होगा क्या हुआ उसे। तिरंगा ने खिड़की से बाहर जाकर उसे दिखाई दिया कुत्ते के चिल्लाने का वह कारण, जो खौफनाक का बेहद खौफनाक था। ओह, सैकड़ों चीटों का झुंड कुत्ते के शरीर पर चढ़ा, उसे चट करके पल भर में ही आगे बढ़ गया। आगे कहाँ? आगे तो मेरा घर है, कहीं मांस खोर चीटों का झुंड मेरे घर में तो नहीं घुस रहा। उफ, अचानक तिरंगा को अपने पीछे हल्की हलचल दिखाई दी। वह तेजी से पलटा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ओ नहीं, सारा घर मांस खोर चीटों से भरा हुआ है, लेकिन क्यों ये मेरे घर में, मेरे ही घर में क्यों आए? ओह, अचानक तिरंगा की सोच को तेज झटका लगा, क्योंकि ओह, इनमें से बहुत से चीटे मेरे शरीर पर भी चढ़ गए हैं। ये मेरे शरीर में अपने दांत गड़ाए, उससे पहले ही मुझे अपने शरीर से अलग करना होगा, और एक एक करके इन्हें हटाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मैं एक हटाऊंगा तो 10 चढ़ेंगे। इसलिए इन्हें एक साथ अपने शरीर से अलग करने के लिए मुझे बाथरूम में जाकर शावर को पूरा खोलकर उसके नीचे खड़ा होना होगा। शावर चालू करने वाली नॉब को पूरा खोला तिरंगा ने। शावर से तेजी से पानी निकला और पानी के साथ ही निकले चींटे। उस शावर से पानी के साथ मास्क और चींटे बरस रहे हैं, मुझे जल्दी बाहर भागना चाहिए। आओ, चीटों की बौछार से बचकर भाग भागने की हड़बड़ी में फर्श पर पड़े साबुन का ना देख सका तिरंगा, जिसने उसे धड़ाम से फर्श पर लापटका। लक्स वाओ, तिरंगा कुछ पलों के लिए अपने होश खो बैठा, लेकिन वह कुछ पल ही बहुत थे तिरंगा को कंकाल में बदल देने के लिए। क्या सचमुच चीटों ने तिरंगा को कंकाल में बदल दिया? चीटे क्यों पहुंचे थे तिरंगा के घर में? क्या सचमुच ईमानदार सत्य प्रकाश ही वास्तविक अपराधी था? ये सब जानने के लिए पढ़ें काला धंधा काले लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स काला धंधा काले लोग में। तब तक के लिए धन्यवाद।